और ये भीड़ देखिए बहुत जबरदस्त सा खुशबू जो है यहाँ पे आ रहा है, और ये क्राउड देख सकते हैं लोगों का, प्लस अंदर दूर तक जो है लोग बैठे हुए हैं, भीड़ देख सकते हैं, लोग घेरे हुए हैं कलेजी देने की, ये देने वो देने के लिए। सारा कुछ तौल के आप बेचते हैं जी भैया? तो इसको तौलिएगा। अच्छा देखिए इधर तराजू पे जो है इसे तौला जाएगा, वजन करके उसके हिसाब से दिया जाएगा। 350 क्या मतलब कारण है कि इतने लोग दीवाने हैं इस मटन के? यहाँ से 30 किलोमीटर दूर घर है मेरा। अच्छा। रोसरा, वहाँ से आ रहे हैं बस सिर्फ इसको खाने के लिए। तो पटना का बहुत मटन आप देख लिए, बहुत दिन से कमेंट आ रहा था कि थोड़ा पटना के बाहर जाइए, थोड़ा बाहर का व्लॉग दिखाइए, लगातार पटना का आ रहा है। तो आज जा रहे हैं पटना से बाहर, बिहार से बाहर नहीं, पटना से बाहर जा रहे हैं और समस्तीपुर जा रहे हैं। और जैसा सुने हैं उस जगह के बारे में कि मटन का खदान है, मतलब लाइन से मटन का दुकान, कहीं 50 किलो, कहीं 60 किलो, और दीवानगी ऐसा है कि वहाँ बनता नहीं है, लोग प्री बुक कर देते हैं, एडवांस बुकिंग किए रहते हैं, मटन चढ़ा और 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, आधा किलो पहले ही ऑर्डर आ जाता है। और सबसे पहले हम लोग जिस स्पॉट को कवर करने वाले हैं उसका नाम है विजय होटल, और अभी हम बात किए हैं उनसे, अभी बज रहा है सुबह का 9:30-10 हो रहा है और मामला साफ है। वो बताएं कि मतलब आधा से ज़्यादा मटन तो बिक चुका है, तो बस जल्दी जल्दी पहुंचते हैं वहां और दिखाते हैं कि क्या दीवानगी है वहां के मटन को लेकर। जहां तक लोग बता रहे थे कि मतलब मटन चढ़ता है और आधा मटन पहले से ही वहां बुक रहता है। लगभग समस्तीपुर से हम लोग 4-5 किलोमीटर दूर है, उस दुकान से 4-5 किलोमीटर दूर है, जल्दी से पहुँचते हैं वहाँ और वहीं पहुँच के सारा जो डिटेल्स है वो बताएंगे। हमको भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है देखने का कि ऐसा क्या है उस मटन में कि इतना ज़्यादा मतलब लोग पागल है उस मटन के लिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में, और फाइनली हम लोग अपने लोकेशन पे पहुँच चुके हैं। एक करेक्शन है, स्टार्टिंग में बताए थे विजय होटल नहीं, सूरज होटल नाम है। और इधर देख सकते हैं जितना बाइक वाइक अभी मतलब ख़त्म होने का वक्त है, 11 बज रहा है और 11 बजे मामला साफ है। जिस वक्त बाकी का होटल खुलता है, लोग खाने आते हैं, मटन बनता है, उस वक्त यहाँ का मटन ख़त्म हो चुका होता है। ये स्वैग है इस होटल का। तो लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, सूरज होटल नाम है, और हम लोग पटना में एक जगह कवर किए थे, मुन्ना होटल का जो कलेजी है वो कवर किए थे, वहाँ एक मिले थे दिव्या दिनेश ब्लॉग, समस्तीपुर में ही रहते हैं, तो यही हम लोगों सारा घुमाने वाले हैं। लोकेशन क्या बताते हैं यहाँ का? लोकेशन ये है, ये जो बाईपास रोड है ना, खाटू श्याम मंदिर है उसी के पास में है ये, हम लोग भी बस वैसे ही पहुँचे हैं, सही बताया ना। और ये भीड़ देखिए बहुत ज़बरदस्त सा खुशबू जो है यहाँ पे आ रहा है, और ये क्राउड देख सकते हैं लोगों का, प्लस अंदर दूर तक जो है लोग बैठे हुए हैं। तो पहले ये झोपड़ी में ना हुआ करता था? बगल का झोपड़ी ये है ना, बगल वाला। अच्छा, ये झोपड़ी में पहले था शॉप? अच्छा, ये झोपड़ी में? अच्छा, अब इतना सक्सेस कर गया, इतना लोग पसंद किए, गए चलता है पूरा, यहाँ पे बिक्री बहुत ज़्यादा होता है, भाग भाग के जल्दी जल्दी पहुँचे हैं कि कहीं ख़त्म नहीं हो जाए। तो इसी भीड़ में जगह बना के थोड़ा अंदर की ओर आते हैं। क्या नाम हो भैया आपका? सूरज महतो भैया। आप ही लोग खा के बतावेंगे? डरते डरते आए, कहीं मटन आपका खत्म नहीं हो चुका? नहीं, अभी रहता है। ऐसे 10:30-11 बजे तक आपका खत्म हो जाता है? जी अभी रहते हैं, जब इसमें आए ना। भीड़ देख सकते हैं, लोग घेरे हुए हैं कलेजी देने की, ये देने वो देने के लिए। सारा कुछ तौल के आप बेचते हैं जी भैया? तो इसको तौलिएगा। अच्छा देखिए इधर तराजू पे जो है इसे तौला जाएगा, वजन करके उसके हिसाब से दिया जाएगा। 350 ग्राम का क्या रेट हो गया? 280 रुपया। ऐसे किलो का क्या रेट है? 800 रुपया। अच्छा 800 रुपये किलो है। आप अपना पीस चूज कीजिए, चूज करके उस पर तौलवाइए, जो वजन है उस हिसाब से पैसा दीजिए, ये फॉर्मेट है यहाँ का। और मतलब हमको लगता है कि 25% बचा है, 75% खत्म हो गया है जी, है ना? जी। कितना बजे से मतलब मिलना स्टार्ट हो जाता है? 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो नया दुकान है इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी बना रहे हैं जी, पहले थोड़ा कम रहता था जी। कितना बनाते हैं अभी? अभी 30 केजी। 30 केजी 2 घंटा में खत्म? 3 घंटा, 9 से 12। 9 से 12 में मामला साफ। तो ये दीवानगी है, और अंदर भी जो है देख सकते हैं लोग दूर तक बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, थोड़ा कस्टमर का जो फीडबैक है वो भी लेंगे। साथ में पहले पुलाव खिलाते थे ना जी? शुक्र सोमवार बुध 3 दिन पुलाव 3 दिन चावल। शुक्र सोमवार बुध, तो आज हम लोग किस्मत खराब है, मतलब आज चावल है, चावल में हमारे किस्मत में आया, आज जो है पुलाव नहीं आया क्योंकि आज हम लोग शनिवार के दिन यहाँ आए। एक सब्सक्राइबर भी मिले हैं हमें, कैसा लगता है वीडियो हम लोग का? बहुत अच्छा, बहुत दिन से देख रहे हैं, पहला वीडियो से लेके अभी तक सब वीडियो आपका, पहला वीडियो से लेके अभी तक सारा देखे हैं, 850 वीडियो हम डाल चुके हैं, सब देखे हैं, सब वीडियो देखते हैं आपका। यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ यहीं के। सोचे थे पटना विजय मीटर में गए थे, सोचे थे आपसे जरूर मुलाकात होगा कहीं कहीं बनाते वक्त, लेकिन देखिए घर में मुलाकात हो गया। अच्छी बात है ना, यहाँ का जो सबसे फेमस दुकान है वहीं मुलाकात हुआ। हाँ हाँ हाँ। कैसा रहता है टेस्ट, और क्या मतलब कारण है कि इतने लोग दीवाने हैं इस मटन के?
यहाँ से 30 किलोमीटर दूर घर है मेरा रोसरा। अच्छा। वहाँ से आ रहे हैं बस, सिर्फ इसको खाने के लिए। बस कभी कभी कोई काम भी रहा तो आ जाते हैं, नहीं तो इसे प्लान बना लेते हैं संडे को, चलो भाई खा के चलो। 30 किलोमीटर आते हैं बस इस मटन को खाने के लिए। हाँ। बात तो जरूर होगा नहीं। हाँ। खुशबू भी बता रहा है कि बात है। हाँ। तो थोड़ा अब अंदर चलते हैं और भी कुछ लोग आपको फीडबैक जो है वो सुनाते हैं, उसके बाद हम लोग प्लेट लेंगे। भूख बहुत लग चुका है, क्यूरियोसिटी बहुत है जानने का कि कैसा टेस्ट है। थोड़ा और फीडबैक सुना के फिर खाने बैठ। आप लोग कैसा लग रहा है टेस्ट? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, रेगुलरली खाते हैं? जी जी। इससे पहले कि मटन खत्म हो जाए, हम लोग भी अपना निकलवाते हैं और टेस्ट करके फटाफट टेस्ट बताते हैं। भाई हम लोग कभी निकाल दीजिएगा, रोटी भी और चावल भी। हम सुने कि मतलब इतना डिमांड रहता है कि आप बनाते हैं और उसी समय कस्टमर जो पहुंचे रहते हैं पैक कराने के लिए। जी। उधर जो है और लोग खा रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं, और किसी को भी यहाँ पीस के हिसाब से नहीं मिलता है, हर किसी को तौल के ही मिलता है, वजन करके ही दिया जाता है। 120 नहीं है कितना। रोटी और चावल दोनों हम लोग खाने वाले हैं, और चावल भैया देख के लग रहा है एकदम लंबा लंबा बासमती चावल है। जी चावल अब थोड़ा थोड़ा सा ही बचा हुआ है। नेक्स्ट जो इधर हमारा मटन निकाला जा रहा है, नली वली होगा तो निकाल दीजिएगा, थोड़ा कलेजी होगा तो वो भी डाल दीजिएगा। मान लीजिए आपका पूरा बनते हुए दिखाना है तो कितना बजे आना पड़ेगा? यहाँ आना पड़ेगा आपको 6:30-7 बजे सुबह में, 6:30 बजे आना पड़ेगा। जी तो आप लोग कमेंट कीजिए अगर आप लोग को बनते हुए देखना है, रेसिपी देखना है, तो हम लोग फिर से प्लान बनाएंगे, समस्तीपुर आएंगे और जो बनाने का सारा प्रोसेस है वो आपको दिखाएंगे। आज थोड़ा लेट आए हैं तो आज ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाएंगे। ये हो गया भैया कितना? 200 ग्राम। चलिए 200 ग्राम मटन जो है हमारा तौल लिया गया, उसके बाद ऊपर से जो है इसमें ग्रेवी डाला जाता है। ग्रेवी का वजन नहीं करते हैं? नहीं, ग्रेवी का कोई वजन नहीं। और चर्बी और भी ये सब का, लड़ोर का वो सब का नहीं, सब ऊपर से। इधर जो है हमारा मटन का प्लेट आ चुका है। डरते डरते हम यहाँ आए थे कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं, तो ये जो है ये मटन को निकालते हैं साइड। 200 ग्राम मटन है 160 रुपये का, और क्या सही सा क्वांटिटी जो है वो दिया गया। ये जो है दो बड़े बड़े साइज़ का रोटी है, रोटी ठंडा है घर से बना के लाते हैं। चावल जो है आज हमारे किस्मत में आया है, किस्मत ख़राब है इस वजह से पुलाव नहीं मिला। सबसे पहले जो है रोटी के साथ करते हैं मटन को टेस्ट, थोड़ा कड़क हो गया है रोटी। ये आ गया कलेजी, तो कलेजी के साथ किया जाए। ये देखिए सॉफ्ट सा कलेजी, ये डुबो है इसे ग्रेवी में। हाँ हाँ हाँ, सुबह सुबह कुछ नाश्ता वाश्ता नहीं किए हैं, एक बज रहा है अभी 11:15। पहला बाइट लेने वाला है मटन का, पटना से आए हैं स्पेशली जिस मटन को खाने के लिए। वैसे बहुत कुछ कवर करना, बट सबसे ज़्यादा नंबर वन प्रायोरिटी पे यह जगह था। जबरदस्त, बहुत बढ़िया। ये ग्रेवी को जरा हम इस नली के साथ खाएं। पूरा और हम खाएंगे फिर चर्चा करेंगे टेस्ट पे। ये पीस जो है ये देखिए, ये देखिए, ये छूते साथ हमको समझ में आ गया कि कितना सॉफ्ट है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये 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 मतलब रसगुल्ला भी फेल है, इतना सॉफ्ट है। एक वर्ड में हम बताएं, एक्चुअल में ये बिहार का वन ऑफ द बेस्ट मटन है। मेरे हिसाब से पटना में कोई मटन इस टक्कर का नहीं, जितना भी मटन हम लोग कवर किए हैं उन सब में से वन ऑफ द बेस्ट लगा। हम एग्जैक्ट बेस्ट यूज़ नहीं कर रहे, वन ऑफ द बेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि याद नहीं कहाँ कहाँ कैसा कैसा लगा था। वन ऑफ द बेस्ट मटन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, टोटली डिजर्व करता है जो भी हाइप है वो, कुछ भी ओवर हाइप नहीं है यहाँ। टू गुड, हर कुछ बैलेंस्ड में, जरा सा भी तीखा जो है ज़्यादा नहीं है, मटन बिल्कुल सॉफ्ट, हर मसाले का प्रॉपर फ्लेवर, प्याज पूरी तरह से गला हुआ, थोड़ा सा भी प्याज का मिठास नहीं, और क्या बताएं, मतलब कहीं से भी कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिल रहा है जो कि बोले कि ये गड़बड़ है या वो गड़बड़ है, हर तरह से परफेक्ट।
हाँ एक गड़बड़ है, रोटी ठंडा है, ये गड़बड़ है नो डाउट। चावल ठंडा है, रोटी ठंडा घर से बना के लाते हैं, बट मटन में कोई गड़बड़ी नहीं। बहुत सही, हमारे साथ जो आए हैं जो लोग जो कैमरे के पीछे हैं उन लोग इस रिव्यू को सुन के थोड़ा मतलब लटपटा रहे हैं, थोड़ा ललचा रहे हैं कि जल्दी से खाया जाए इस मटन को, इतना तारीफ हो रहा है मटन का। मज़ा आ गया, एक वर्ड में बोले ना मज़ा आ गया। मतलब अगर 200-250 किलोमीटर आना पड़े इस मटन को खाने के लिए तो भी हम आने के लिए तैयार है, ऐसा मटन। ज़रा सा एक बाइट जो है चावल लिया जाए। हाँ एक और गड़बड़ है, प्लेट थर्मोकॉल में दिया जा रहा है, ये भी गड़बड़ी है, इस चीज़ के बारे में उनको हम बोलेंगे। चावल का ठीक है, रोटी का ज़्यादा मज़ा आ रहा था। चावल थोड़ा ठंडा हो गया, थोड़ा कड़ा कड़ा चावल है तो वो मज़ा नहीं आ रहा है जो रोटी के साथ आ रहा है। ख़त्म करते हैं वीडियो, कभी भी अगर खाए हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, नहीं खाए हैं तो आके खाइएगा, मज़ा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा आपका, दिल से कह रहे हैं इस बात को। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, नहीं अच्छा लगता बोल रहे थे कि नहीं अच्छा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन एक्चुअल में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चले स्वाद में खोलते हैं, इसे इंजॉय करते हैं। कमेंट कीजिए, बताइए वीडियो कैसा लगा, कुछ खास नहीं दिखा पाए आज लेकिन कमेंट आएगा, स्पेशली रेसिपी को कवर करने यहाँ आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।